अस्सलामुअलैकुम, हियर इज़ योर डॉक्टर हनी, होप सो यू गुड एंड फाइन। ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं, बहुत ही मसरूफ़ दिन गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करते रहे। छोटे छोटे व्लॉग हों लेकिन आप लोगों के साथ कनेक्ट रहे, आप लोगों के साथ बातचीत रहे। रमज़ान मुबारक, और बस अब तो थोड़े से ही दिन रह गए हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे से गुजर गए। और थोड़ी बहुत तबीयत ने तंग किया, लेकिन रमज़ान था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहा है। कुछ दिन रह गए हैं, बहुत याद आएगी। लेकिन मौसम की जो सूरत हाल है ना यहाँ की, कश्मीर की, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस कदर ठंडा, और मतलब बादल और ठंडा ठंडा मौसम है। ग्रीन ग्रीन हो रहा है, बाहर आ चुकी है, और मौसम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है हमें, क्योंकि एलर्जी सीज़न है ना, पोलन एलर्जी है। पोलन की वजह से आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा कि हर तरफ जो है ना फूल हैं और पत्ते निकल गए हैं थोड़े थोड़े, और थोड़े थोड़े पोलेंस भी जो है वो हवा के साथ उड़ रहे हैं। तो इस वजह से मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। और आप लोगों के साथ बताती चले हैं कि आजकल जो है हमारी डेली लाइफ में यही चल रहा है कि बस काम शाम, सफाई शफाई, और थोड़ी चीज़ें जो है वो इधर उधर से मतलब देखना कि क्या चीज़ घर में करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। बहुत सेपरेट सी जगह ढूंढ के मुझे व्लॉगिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आमदरफ्त इतनी ज़्यादा है, घर में इतनी ज़्यादा चहल पहल है कि सेपरेट कॉर्नर ढूँढना मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं वहाँ पर जाके खड़ी होकर आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के लिए शूट करूँ। लेकिन हमारी कोशिश जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। आप लोगों का प्यार देख के ही हमें इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप लोगों ने मतलब आप लोगों इतना प्यार कर रहे हैं ना, तो इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि जो मेरा एफर्ट्स है ना वो फ्रूटफुल है। खैर, ये देख सकते हैं कि सीन कैसा है। और अभी थोड़े से पहले, अफ्तार से पहले मतलब मैंने ये शूट किया, और इतना मज़े का मौसम है, ठंडा है ज़रूर। शायद आप लोगों का विजिटिंग का भी हो कि ईद को हम कश्मीर जाएंगे और ईद जो है वो कश्मीर में स्पेंड करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे जगह का भी पूछ रहे थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी आप लोगों के कौन कौन सी जगह आप लोग विजिट करें। फिर भी मतलब आप लोग एक दफ़ा कमेंट करना, और आप लोगों को मैं ज़रूर दोबारा से भी गाइड कर दूंगी कि कौन सी जगह आप लोगों के लिए बेहतर है और कौन सी जगह नहीं है। रिसेंटली मैं लस्टरना का मैंने सुना था कि वहाँ पे जो है वो बर्फ़बारी शुरू हुई है, तो मेरा भी इसलिए ट्रैवलिंग का थोड़ा सा प्लान नहीं है। तो खैर, ये देख सकते हैं कि सामने जो है वो उधर सामने में देख आप लोगों के लिए जूम कर रही थी, लेकिन मुझे बाद में थोड़ा ऑकवर्ड भी लगा। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सामने अफ्तारी से पहले जो है ना वो छोटे बच्चे और थोड़े से बड़े लड़के जो है वो खेल कूद कर रहे थे। ये जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ से वो वॉलीबॉल खेल रहे थे, आई गेस। वो सामने तो उनको देख के बड़ी एनर्जी बूस्ट अप होती है यार, कि मतलब इफ्तारी से पहले इतना बंदा लो डाउन हुआ होता है, आपकी एनर्जी इतनी डाउन हुई होती है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने आप को इतना फिट रखते हैं। ऐसा भी होना चाहिए, गर्ल्स को भी ज़रूर अपने बारे में सोचना चाहिए, कोई गेम वगैरह लगानी चाहिए। मैं भी प्रेफर करूँगी इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और दूसरी तरफ अफ्तारी की तरफ चलते हैं, और अफ्तारी में हमारे पास है जी फ्रूट चाट बनाया, और फिर समोसे और एग बॉयल कर दिए। आजकल मैं इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं कर रही, तबीयत नहीं है सही, और इस वजह से ही बस थोड़ा बहुत अवॉइड करती हूँ। दूसरी तरफ जी हमने रखा है जूस, जो एज़ मुझे अच्छा लगता है, फॉर आवर फेवरेट टेंग, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर मेरा चेंज था, मैंगो फ्लेवर था। तो खैर, ये है कि हमारा सिंपल सी अफ्तारी थी और आउटडोर अफ्तारी थी, मतलब बाहर बैठ के सेन में बैठ के हमने अफ्तारी करनी थी। तो ये थी जी हमारी सिंपल सी अफ्तारी। आप लोगों के लिए मैं इतना ही कहूँगी, बहुत लोग आप लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं, आप लोगों के DMs भी मैं देखती हूँ, मतलब इतने आप लोग वेट कर रहे होते हैं मेरे व्लॉग का, तो ये मेरे लिए इतना ही ज़्यादा मतलब इंकरेजिंग है। आप लोग मुझे अगर इंकरेज करते रहोगे ऐसे ही ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग भी देखने को मिलेंगे।
फ़िलहाल अभी तक मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आप लोग अगर साथ रहे तो भाई आएंगे, पैसे भी आएंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है वो भी शेयर करेंगे, और बहुत सारा मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सवाल आप लोगों के भी थे, वो भी मैंने जवाब दिए। अभी रिसेंटली कुछ और सवाल हैं, इंशाल्लाह उस पर भी व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट बताइएगा कमेंट में कि ईद की शॉपिंग हो गई। मेरी तरफ से तो बस थोड़ी बहुत हो गई है जी, और ईदी आप लोगों ने नहीं भिजवाई, मैं तो शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ कि आप लोग ईदी भिजवाएंगे मेरे लिए। खैर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चाय जो है वो कम पत्ती वाली दूध पत्ती हमारी तैयार है, और बस अफ्तारी का वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अफ्तारी में कल यानी मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी जॉब के लिए और मेरी तबीयत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना, और आप लोगों के लिए छोटा सा दिल। एक वीडियो में मुझे लग रहा था कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आधा ही जो है वो हार्ट आप लोगों को शो करवाती, लेकिन दूसरे ही तरफ मैंने देखा कि मैं कर सकती हूँ भाई, पूरा दिल आप लोगों को दूंगी। इतना ज़्यादा प्यार आप लोग करते हैं तो पूरा दिल तो बनता ही आप लोगों के लिए, इसीलिए आप लोगों के प्यार के लिए मेरा ये दिल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुश रहे, आबाद रहे, दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे आप लोगों के साथ अफ्तारी पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, मेरी तबीयत के लिए और मेरी जॉब के लिए भूलिएगा मत। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, इन फ़ी अमानी।